आज सड़क हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय देश नीदरलैंड में एक ऐसा गांव है जहां पर सड़कें है ही नहीं। यहां के लोग एक से दूसरी जगह जाने के लिए मोटर वाहनों का प्रयोग नहीं करते हैं। इस गांव का नाम है गीथोर्न, जो नीदरलैंड्स के ओवराइसल प्रांत में स्थित है। गीथोर्न एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है और साल भर यहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहां हर तरफ नहरों का जाल बिछा हुआ है, जिसकी मदद से लोग नावों में सफर करते हैं। इस गांव में परिवहन का एकमात्र साधन जलमार्ग ही है, इसी वजह से इसे दक्षिण का वेनिस या फिर नीदरलैंड का वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप वहां जाते हैं तो आपको अपनी कार गांव के बाहरी इलाकों में ही पार्क करनी पड़ती है। एम्स्टर्डम शहर से लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद इस गांव तक पहुंचा जा सकता है। गांव के अंदर पैदल घूमा जा सकता है। गांव में आप चाहे तो किराए की डोंगी या फिर बाइक्स में भी आप गांव के अंदर घूम सकते हैं। खास बात यह है कि यहां किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है। इस गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं और दिन के समय अधिकांश यहां पर शांति ही रहती है।